वो बीड़ी पी रहा होता है और धुआं धुआं, और क्या, जैसे उसके पापा जाते हैं एक थप्पड़ मारते, वो भी अपने पापा को ऐसे पकड़ते और एक थप्पड़ दो थप्पड़ धक्का मारकर, छलेडा मिलता कहाँ है, जहां से ना पानी जा रहा हो, ये पानी के पास मिलता है अक्सर, जहां से झरने जा रहे हो, नदी जा रही हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम, एंड थैंक यू सो मच। तुम्हें मेरे हॉरर स्टोरीज इतने ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तुम लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, थैंक यू सो मच। जल्दी से जल्दी यार मेरे 10K के सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो। एंड आज का जो हॉरर किस्सा है वो अजय ने हमारे साथ शेयर करा है, एंड ट्रस्ट मी बहुत ज़बरदस्त है, एंड तक जरूर देखना, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा और बहुत थ्रिलिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है किस्सा। एंड आगे बढ़ने से पहले तुम सबसे कहना चाहूँगा, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पर मुझे फॉलो करो, और अपने हॉरर किस्से जो तुम सबके साथ हुए हैं, रियल हॉरर किस्से, वो मेरे साथ शेयर करो इंस्टाग्राम पे, ताकि मैं तुम सबकी स्टोरीज भी यहाँ पर शेयर कर सकूँ। एंड विदाउट टाइम वेस्ट करें अब हम आज का किस्सा शुरू करते हैं। अजय दिल्ली का रहने वाला है और अजय इंजीनियरिंग कर रहा है, और फिलहाल ही में उसके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स खत्म हुए हैं, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम। तो अजय और उसका फ्रेंड अमित दोनों डिसाइड करते हैं, जब तक थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ, हम एक ट्रिप मार कर आते हैं, घूम कर आते हैं, चिल कर कर आते हैं। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम ना हिमाचल प्रदेश चलते हैं, धर्मशाला, वहाँ पर काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं, ट्रैकिंग के लिए जंगल भी है, ट्रैक भी हम कर कर आएंगे और स्पॉट्स भी घूम कर आ जाएंगे। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम बस के थ्रू जाएंगे, अपनी फैमिली से परमिशन लेते हैं। अजय जो है वो अपनी मॉम के साथ रहता है और वो एक रेंट के हाउस पे रहते हैं। अजय के जो फादर साहब हैं वो दिल्ली से बाहर रहते हैं, वो वहाँ जॉब करते हैं, तो वो बीच बीच में रहते हैं, ठीक है। तो अजय भी अपनी फैमिली से परमिशन लेता है और अमित भी अपनी फैमिली से परमिशन लेता है, और नेक्स्ट डे ये क्या करते हैं, बस में बैठते हैं और धर्मशाला को निकल जाते हैं। अब जब ये घर पर होते हैं ना, तो इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया होता है कि हम किस होटल में रुकेंगे। ये ऑनलाइन सर्च करते हैं कि धर्मशाला में कौन सा ऐसा होटल है जो व्यू के पास हो, जंगल के पास हो, और ना स्पॉट्स जिसके नियर बाय हो, ताकि इनको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। तो ये पहले ही बुक कर लेते हैं। जैसे ही धर्मशाला पहुँचते हैं, ये शाम को कुछ पहुँचते हैं 5-6 बजे के करीब, तो ये क्या करते हैं, अपना सामान वगैरह होटल में रखते हैं। होटल इनका बहुत मस्त होता है, पहाड़ होता है पीछे ही, ट्रैकिंग के लिए भी एक जंगल भी होता है पीछे ही। तो ना ये वहाँ अपना सामान सेटल करते हैं और मार्केट निकल जाते हैं। मार्केट ही, जिस मार्केट में इनका होटल होता है उसी मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, और रात को डिनर करके सो जाते हैं। और ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे हम जितने भी यहाँ धर्मशाला में स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है, उनको विजिट करेंगे एक टैक्सी लेकर। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, टैक्सी लेते हैं और जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं घूमते हैं। शाम हो जाती है, इनको घर आते आते शाम को ये डिनर करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगले दिन हम क्या करेंगे, जो हमारे पीछे जंगल है, यहाँ एक ट्रैकिंग स्पॉट है, उसमें ट्रैक कर कर आएंगे, मज़े मार कर आएंगे। तो ये डिनर करते हैं, सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये उठते हैं अपना ब्रेकफास्ट करके, 10-11 बज जाते हैं, अब ये डिसाइड करते हैं चल निकलते हैं, ट्रैक कर कर आते हैं। तो ये दोनों ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। अब जो जंगल होता है वो बहुत सुनसान होता है। अब पहाड़ों में क्या होता है, सुबह और शाम थोड़ी ठंड होती है, दोपहर में गर्मी होती है, और दोपहर में ना सन्नाटा होता है बहुत ज़्यादा, जंगल के बीच बहुत सन्नाटा होता है। तो ये दोनों निकल जाते हैं, चलते चलते काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं। ये दोनों ना अपनी रैंडम बातें कर रहे हैं। अब अजय अमित को बता रहा है कि ना यार, हमने ना अपना एक फ्लैट खरीदा है, अब हम फ्लैट में ही शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ मेरा अपना सेपरेट रूम होगा, वहाँ मैं डेकोरेट करूँगा, तू भी वहाँ आकर हम मस्ती करा करेंगे। तो इतने में अमित कहता है कि यार एक रूम मुझे भी दिला दे, मजाक मजाक में कह रहा है। अब ना ऐसी बातें करते हुए जा रहे हैं, एक झरना आता है। अब पहाड़ों में ना काफ़ी सारे झरने होते हैं, ऐसा नहीं बड़ा झरना, पहाड़ों में ना जगह जगह से ना थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा होता है। अब वो इतना साफ होता है, तुम उसे पी भी सकते हो। तो अजय और अमित के पास ना एक झरना आता है, तो ना ये दोनों डिसाइड करते हैं कि यार पानी तो पिया जाता है यार, पहाड़ों का साफ होता है, पानी छन कर आ रहा होता है, चल पीते हैं। तो दोनों ना पानी पीते हैं, अजय भी अमित भी, और फिर चलना शुरू करते हैं। और सडनली क्या होता है, अजय को ना ठंड लगने लग जाती है। दोपहर का टाइम है, दोपहर में गर्मी होती है पहाड़ों में भी, सुबह शाम ठंड होती है, अजय को सडनली ठंड लगने लग जाती है और काफ़ी ठंडा लगने लग जाता है। अभी चलते रहते हैं चलते रहते हैं। अब ना अजय के मन में एक थॉट आता है, यार हम इस जंगल में ट्रैक कर रहे हैं, इतना प्यारा ट्रैक है, इतनी सुनसान जगह, और कोई ट्रैक करने क्यों नहीं आया हुआ। तो ना सडनली इसको क्या होता है, कुछ दूरी पे एक बच्चा दिखता है इन्हीं की एज का, जो ना जूते पहन के, शॉर्ट्स पहन कर, टी शर्ट पहनी हुई है, और ना बैग टांगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ट्रैकिंग कर रहा है। तो इसको दिखता है, ये अमित को कहता है, अमित आगे ना मैंने एक बंदे को देखा, उस वो बंदा भी शायद ट्रैक कर रहा है अपनी टीम के साथ, एक काम करते हैं आगे चलते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके ग्रुप में मज़े करते हुए, मस्ती करते हुए चलेंगे, हम अकेले हैं अभी तो, है ना, उनके साथ चलते हैं। ये दोनों तेज़ चलना शुरू करते हैं, तेज़ चलते 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 काफ़ी आगे पहुँच जाते हैं, इन्हें कोई नहीं दिखता। अब अमित कहता है कि शायद तेरे को ना कोई पर्सन दिखा होगा जंगल का ही, कोई यहीं आसपास का होगा, लोकलाइट होगा, लोकल पर्सन, और वो इधर उधर निकल गया होगा जंगल में, तो तुझे लगा कि वो ट्रैक करने आए हुए हैं। तो वो कहता हो सकता है, अजय कहता हो सकता है, पॉसिबल है। अब ये चलते हैं, अजय के मन में फिर थॉट आता है, यार
जंगल में कम से कम लोग भेड़ बकरियां चढ़ाने तो आते ही हैं, गाय भैंस चराने भी तो आते ही हैं, और बूढ़ा ही दिख जाए कोई कम से कम, तो ना सडनली इधर देखता है इसको एक बूढ़ा पर्सन दिखता है जिसने खेसी ओढ़ी हुई है, एक कंबल टाइप में होता है खेसी, उसने ओढ़ी हुई है और इसकी तरफ देख रहा है। अपना जैसे ही उसको देखता है एकदम से अमित की तरफ मुड़ता है, कहता है अमित वहाँ पर एक बूढ़ा है उसके पास चलते हैं, पूछते हैं ये ट्रैक कितनी आगे और जा रहा है, सेफ है आगे जाना कि नहीं है। अभी उधर देखते हैं दिख नहीं रहा कोई भी बूढ़ा, ये थोड़ा नीचे जाते हैं कि नीचे कहीं पर होगा, ये थोड़ा नीचे जाते हैं नहीं दिखता बूढ़ा कहीं पर भी नहीं है। इतने में ना अमित मजाक में कहता अगर बूढ़ा दिख जाता ना तो उसको भी तेरे घर ले चलते एक रूम दे देते। अजय भी कहता कि हाँ दे देते रूम, दिखता तो बूढ़ा, दिखा ही नहीं, गायब हो गया, हवा में गुम हो गया। अभी कह के चल पड़े ये दोनों, मजाक कर रहे थे और थोड़ा चले आगे, और फिर ये डिसाइड करते हैं कि नहीं यार ख़त्म ही नहीं हो रहा, कितना लंबा ट्रैक है, काम करते हैं वापस चलते हैं होटल की तरफ और बस बहुत होगी ट्रैकिंग। और ना अजय को कॉन्टीन्यूस ठंड तो लगी रही थी, ये फिर भी वापस मुड़ते हैं और अपने होटल पहुंच जाते हैं। अब जब ये होटल पहुंचते हैं ना तो 4-5 बज जाते हैं। अब ये होटल में क्या देखते हैं कि ना एक अलग ही ट्रिप के लिए बच्चे आए हुए हैं, और कम से कम 20-25 बच्चे आए हुए हैं। अब वो कौन थे? अब एक पर्सन है जो ट्रिप ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, अपनी बस लेकर आता है, ट्रिप ऑर्गेनाइज करता है और क्या करता है अलग अलग जगह से लोगों को इकट्ठा करता है जिनको ट्रिप पर जाना है, और उन सबको उस बस में बिठा कर ट्रिप पर ले आता है। अब ये बंदा ट्रिप पे लेकर आया हुआ था 20-25 बंदों को धर्मशाला के, और उन्हीं के होटल में रुके हुए थे, तो इनकी भी हाय होगी, अपनी एज के थे। तो ना अभी शाम को बैठे हुए हैं 8-9 बजे के करीब, सब बैठे हुए हैं, ये भी उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, अपनी एज के मिल गए तो मस्ती मारने के लिए मिल गए अजय और अमित दोनों को। तो ना उनका जो गाइड था जो उनको लेकर आया हुआ था ट्रिप पर, वो ना इनको कहानियाँ सुनाने लग गया कि मैं तो अलग अलग जगह लोगों को ट्रिप पर लेके जाता रहता हूँ, पर हिमाचल में इस साइड ना एक बड़ा ही ना साया होता है, छलेडा कहते हैं उसको। अब सब पूछने लगे छलेडा क्या होता है, क्योंकि हिमाचल और पंजाब वालों को पता होता है कि छलेडा क्या होता है, बट औरों को नहीं पता था, दिल्ली राजस्थान जो दूर दूर से आए थे, तो वो कहते छलेडा क्या है। तो वो गाइड बताता है वो ट्रिप वाला कि छलेडा ना एक साया होता है जो छलावा करता है, जो तुम्हें लगेगा कि है बट एक्चुअल में है नहीं, और वो अगर तुम्हें मतलब कंट्रोल कर लेना तो बहुत मुश्किल हो जाती है, वो छूटता नहीं है जल्दी। तो वो ना डरा रहा होता है, इनको हॉरर स्टोरी सुना रहा होता है, पर रियल सुना रहा होता है। सबके मन में ना क्यूरियोसिटी हो जाती है यार ऐसा भी होता है। और वो गाइड बताता है छलेडा मिलता कहाँ है, जहाँ से ना पानी जा रहा हो, ये पानी के पास मिलता है अक्सर, जहाँ से झरने जा रहे हो, नदी जा रही हो, या फिर कुछ भी ऐसी कनाल जा रही हो, ये ना पानी के पास मिलता है। और जिसको ये अपना टारगेट बना लेते हैं ना छलेडा, उस पर्सन को ना ठंड लगने लग जाती है, बहुत बहुत ठंडा फील होता है, और ये ना अपना रूप बदल सकते हैं। छलेडा इसीलिए कहते हैं, छलावा इसीलिए कहते हैं, ये अपना रूप बदल सकते हैं, कभी औरत दिखेगी, कभी बूढ़ा दिखेगा, कभी बुजुर्ग दिखेगा, कभी बच्चा दिखेगा। तो अब ना अजय सुन रहा होता है और डर जाता है कि दिन में मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ यार, कि हम पानी पीने के लिए झरने के पास रुके थे, और मुझे पहले एक बच्चा दिखा था हमारी एज का जो ट्रैक कर रहा है, फिर एक बूढ़ा दिखा था और एक्चुअल में कोई नहीं दिखा, और ठंड भी मुझे लग रही थी। वो थोड़ा डर गया और उसने इग्नोर करा। फिर ना ये सारे के सारे बच्चे जो और भी आए थे ट्रिप पे, ये सब डिसाइड करते हैं कि ना जंगल के पीछे भी एक झरना है, वहाँ चलते हैं सारे के सारे और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, मज़ा आएगा। और झुंड में इसलिए जाएंगे क्योंकि जंगल में ना बाघ वगैरह इनका डर होता है, तो झुंड में जाएंगे ना 10-12 लोग तो बाघ वगैरह से डरने लगेगा। ये 8-9 बजे के करीब निकल पड़ते हैं। अब अजय और अमित भी निकल पड़ते हैं उनके साथ। वो कन्विंस कर लेता है अमित उसको कि चल अपा भी चलते हैं, मजे आएंगे, कल तो अपन ने निकल जाना है, फिर नॉर्मल लाइफ शुरू होगी, चलते हैं। तो ना जैसे ही उस झरने के पास पहुँचते हैं, सब इधर उधर देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और ना अजय को ना अंदर ही अंदर डर लग रहा है, अभी कुछ तो नहीं दिख जाएगा, क्योंकि उसके मन में वो बात चल रही थी कि अभी कुछ दिख तो नहीं जाएगा यार, वो बुढ़ा जो दिखा था वो सच था झूठ था क्या था। इतने में ऐसे पीछे मुड़ता और इसको ना वही बुढ़ा इसके मुंह पर खड़ा हुआ दिखता है, खेसी ओढ़ी और इसको ऐसे देख रहा है, और ये एकदम से चीख मारता है और ऐसे गिर जाता है बेहोश। अब सब एकदम से पास आते हैं, इसको उठाते हैं और होटल में ले जाते हैं। होटल में उसको पानी पूनी मारा, उठाया, कहते हैं कि क्या हुआ, तू गिर गया था, चीख मारी। उसने कहा मुझे एक बुढ़ा दिखा मेरे बगल में, सबने कहा कोई भी नहीं था, तो उसने कहा मुझे दिखा एक बुढ़ा मेरे बगल में खड़ा, और ये वही बुढ़ा था जब मैं दिन में ट्रैक करने गया हुआ था तो मुझे दिखा था। अब अमित कह रहा यार इतना तगड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, वहम होगा, स्टोरी सुनाई तो डर गया होगा। तो ये ना सो गए, सुबह होगी, अमित और अजय अपनी बस में बैठे और दिल्ली को निकल गए। दिल्ली जैसे निकले अपने नवे घर में शिफ्ट हो गए। अब नवे घर में ना जैसे शिफ्ट हो गया अजय, और अपने रूम में सो रहा है। अब इनके जो नया घर था ना उसमें 3 रूम थे, एक में उसकी मम्मी सो रहे थे, एक में अजय सो रहा था, और जो तीसरा रूम था ना वो खाली था, वो गेस्ट रूम था कि कोई गेस्ट आएगा तो वो रहेगा। अब पहले दिन ही क्या होता है, अजय रात को सो रहा है, अजय को सपना आया
कि वही बुढ़ा इनके साथ बैठकर, अमित और अजय के साथ बैठकर बस में दिल्ली इनके साथ इसके घर पर आया और बगल वाले रूम में सो रहा है। और जैसी उसकी नींद उठी सुबह, वो डर गया बहुत कि इतना घटिया सपना कि मैं एक बार मुझे वहाँ पर भी झटका लगा जब मेरे को झरने के पास में गिरा, मैंने देखा भी और अब सपना भी ऐसा आया। इसने मम्मी को नहीं बताया कि मम्मी डांटेगी अकेले गए क्यों थे। अब ना फिर से दिन निकलता है, रात होती है, जैसे ये सोता है ठीक है, अब रात को ना इसके मॉम वॉशरूम आते हैं, इसके मॉम क्या देखते हैं, जो गैस वाला रूम था ना वहाँ से धुआं आ रहा है, स्मोकिंग का धुआं आ रहा है। अभी ना जैसे ही जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं जो अजय था वो बीड़ी पी रहा है, बीड़ी पी रहा है और धुआं ही धुआं कर रखा है रूम में। उसके मोम जाते हैं, उसको एक थप्पड़ मारते हैं, वो भी धक्का धुक्का मार देता है अपनी मम्मी को, क्या कर रहे हो ऐसे वैसे। उसकी मम्मी ना थोड़ा गिर जाते हैं नीचे को और वो बाहर आता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। अब ना उसकी मम्मी भी ऐसे हो जाते हैं, यार एक तो इतनी छोटी उम्र में ऐसी स्मोकिंग वगैरह कर रहा है और धक्का मारा इसने। उसकी मम्मी ने सोचा कि मैं सुबह बात करूंगी इससे, अभी ठीक नहीं है, गुस्से में है वो। तो उसकी मम्मी ना सुबह पहले उसके पापा को कॉल करते हैं कि ये ऐसे मतलब बीड़ी वगैरह पी रहा था, आप भी आ जाओ। तो उसके पापा भी दोपहर तक आ जाते हैं, उसकी मम्मी ने बात नहीं करी होती। तो उसके पापा जैसे ही आते हैं, उसकी मम्मी और मतलब अजय के मम्मी और अजय के पापा शाम को ना उसे बात करते हैं कि तू कल ऐसे सिगरेट पी रहा था, मतलब बीड़ी वगैरह पी रहा था, क्यों पी रहा था, ऐसी लत कैसे लगी। तो कहता मैं तो नहीं पी रहा था, मजाक कर रहे होंगे, कुछ और होगा, मैंने नहीं करा ऐसे कुछ करके उसने बात डाल दी। उसके पापा भी कह रहे यार अगर पी रहा था तो इतना कैसे मुकर रहा है, क्योंकि उसके पापा थोड़े से फ्रैंक थे। अब क्या होता है, उसके पापा और मम्मी सोए हुए होते हैं, रात जैसी होती है, उसके पापा वॉशरूम आते हैं, देखते हैं रूम में ना धुआं धुआं और क्या, बाहर भी हॉल में भी धुआं धुआं और क्या, खोलते हैं वो बीड़ी पी रहा होता है और धुआं ही धुआं और क्या। जैसे उसके पापा जाते हैं, एक थप्पड़ मारते हैं, वो भी अपने पापा को ऐसे पकड़ते हैं और एक थप्पड़ दो थप्पड़ धक्का मारकर एकदम से अपने रूम में जाकर अंदर से लॉक कर देता है। उसके पापा हिल गए, उसकी मम्मी हिल गई कि मतलब ऐसा क्या हुआ। और जब उसने मारा बोला, क्योंकि जो अजय की आवाज़ थी ना वो बड़ी पतली थी, डिसेंट सी थी, उसने हैवी आवाज़ में किसी बुजुर्ग की आवाज़ में होकर बोला, थप्पड़ मारा और दौड़ गया। उसके डैडी ने नेक्स्ट मॉर्निंग सीधे तांत्रिक से बात करी कि मेरे बेटा मतलब वो कह रहा है वो नहीं पी रहा है बीड़ी वगैरह और वो पी रहा है, उसने मुझे थप्पड़ थप्पड़ मारे एक अलग आवाज़ में, बुजुर्गों की आवाज़ में, और जब दौड़ के गया तब भी ऐसे बुजुर्गों की तरह चलता हुआ, और उसने मेरी अपनी मम्मी को भी धक्का मारा। अब तांत्रिक ने जैसे चेक वगैरह करा, और तांत्रिक ने उसके घर पर आया, चेक चुक करा, उसको बातचीत करी, और तांत्रिक ने सिंपली बोल दिया कि इसके ऊपर साया लगा है पहाड़ों का। तो अब उसके डैडी ने कहा पहाड़ों का साया लगा है, और कह रहे इतना स्ट्रांग साया है, ये ना हटता है ना ये किसी को छोड़ता है, ये ना बस जाता है मर्जी से, तुम अगर खुश करोगे तो जाता है। तो तांत्रिक के उसके पापा ने कहा कि क्या करें कैसे करें है। तो अब तांत्रिक ने कहा वही मुझे 2-3 दिन का टाइम लगेगा। तो उसके पापा कह रहे हैं कि 2-3 दिन हम ये क्या करेगा, ये कुछ हो गया तो इतने में क्या हुआ, इसके घर में तांत्रिक चला गया, ये अपने घर में ही है। नेक्स्ट डे क्या होता है, इनके घर में एक गेस्ट आता है, एक आंटी आते हैं इनके रिलेटिव, वो आके गेस्ट रूम में सोते हैं। अब जब वो गेस्ट रूम में सोए हुए थे, नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठते हैं ना, तो वो बता रहे कि मुझे एक सपना आया कि कोई बूढ़ा चल कर आया, मेरे गले पर बैठा और मेरा गला दबा दिया और कह रहा मार दूंगा मेरे घर से जा, मार दूंगा मेरे घर से जा। तो वो रिलेटिव कह रहे यार इतना गंदा सपना आया ना मैं क्या बताऊँ, और वो चले गए। अब उसके मॉम डैड ना ऐसे हो गए, यार इस सारी कहानी क्या हो रहा है, ये उसी रूम में बैठ रहे हैं। वो गए तांत्रिक को बताया, तांत्रिक ने ना कहा मैं कर रहा हूँ तैयारी, तुम टेंशन ना लो। तो तांत्रिक ने ना अपनी पूजा वगैरह सब करी, जो भी वो करते हैं उसको बिठाया, और तांत्रिक ने जब उस स्पिरिट से छलेडा से बात करी ना, तो उसने बताया कि मैं घर पर आया हूँ अपने, वो जो सेकंड रूम था ना वो सच में उसने अपना रूम मान लिया था, कि जब वो अमित और वो अजय बोल रहे थे ना कि एक रूम उसको ही दे देंगे, अजय बोल रहा था हाँ उसको ही दे देंगे, तो वो अपना घर मानकर आ गया था कि हाँ ये अब मेरा घर है, मेरा रूम है, और इसलिए वो ये सब हरकतें कर रहा था, बट वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचा रहा था। पर एक्चुअल में जो छलेडा वगैरह होते हैं ये बहुत जानलेवा होते हैं, ये बंदे को मारने तक के लिए वो कर देते हैं कि इंसान अपनी जान भी दे देता है, पर यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो सिगरेट बीड़ी वगैरह सब पी रहा था और उस रूम में था, इतना ही कर रहा था, और वो अजय को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। तो अब उस तांत्रिक ने कहा कि ना इस पर्सन को जब उसे बात करी, उसने बताया कि मेरा घर है, मैं इस रूम में ये हाँ मैं रह रहा हूँ, अब मैं यहीं रहूँगा। तो उस तांत्रिक ने जैसे जैसे बातचीत करी तो उसने कहा मुझे घर दो। तो इन्होंने क्या करा, तांत्रिक ने आखिरी में सॉल्यूशन निकाला कि जहाँ से आया है ना, ये जंगलों से आया है, पहाड़ों के जंगलों से आया है, वहीं ना इसको एक घर बना के दो। अब घर भी ऐसे नहीं कि एक तुमने कंस्ट्रक्शन करी और घर बना के दे दिया, उन्होंने क्या करा, जैसे चिड़िया का घर नहीं होता छोटा सा,
वैसे एक छोटा सा इतना सा घर लिया। अब जहाँ ये गए हुए थे ना धर्मशाला में, उसी जंगल में एक पेड़ पर टांग कर आ गए, जो वो झरना टाइप में था ना उसके वहीं कहीं पर पेड़ पर टांग कर आ गए। और जब पूजा वगैरह करी ना तो उसको बकायदा बोला कि भाई मेरे बच्चे को छोड़ दो, इस बच्चे को छोड़ दो, तुम्हें घर दिया है, तुम्हारा घर बनाया है, तुम वहाँ अकेले रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं देगा। और वो अग्री कर गया, जो छलेटा था वो अग्री कर गया, ठीक है मैं वहाँ जा रहा हूँ, और उसके बच्चे को छोड़ दिया। अजय अब ठीक हो गया था, तांत्रिक ने कहा अब ठीक है, वो खुद अपनी मर्जी से गया, क्योंकि उनको निकालना छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, कहते हैं पर वो अपनी मर्जी से गया, कुछ नहीं होगा अब तुम्हारे बच्चे को, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, अजय वगैरह के दोस्त वगैरह जो अमित ये सब थे, ये ना फिर से गए धर्मशाला घूमने फिरने। तो ना अमित सिर्फ ये अपने दोस्तों को बता रहा था कि ना ऐसा ऐसा हुआ था अजय के साथ। तो ना उसने उस जंगल की तरफ दिखाया कि वहाँ पर ना एक घर टाइप में इन्होंने लगाया था, ये कह रहे थे कि स्पिरिट उसके अंदर डाली ऐसा कुछ। तो जब ये वहाँ देखने गए ना तो देखा वहाँ कोई, वो जो इतना सा घर था ना जो टांगा था, कुछ भी नहीं था। तो फिर जब इन्होंने घर पर आकर बताया ना, तो उस तांत्रिक वगैरह से बात करी कि वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अब तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे बच्चे को दोबारा लगेगा या हमारा बच्चा फिर से पोजेस हो जाएगा ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं, जिस भी बंदे ने वहाँ से हटाया है ना या जैसा भी कुछ करा होगा, वो छलेटा उसके साथ गया होगा और फिर उस पर लगा होगा, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा होगा। तो उसने कहा कि ये एक ऐसी स्पिरिट, एक स्पिरिट भी नहीं है ये, पता नहीं क्या होता है ये फॉर्म, कि इसको ना मारा जा सकता है ना कैद करा जा सकता है, इसको कहते कि ये तो अपनी मर्जी से लगता है और अपनी मर्जी से छूटता है, ऐसा सा कुछ होता है। कहते अब जिस पे भी गया होगा, अब क्या हो रहा होगा पता नहीं, पर अब ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ ये अपनी मर्जी से बोल कर गया कि मैं नहीं आऊँगा। तो अजय ने ये इंसिडेंट अपना मेरे साथ शेयर करा था और काफ़ी यूनिक था, मैंने आज से पहले नहीं सुना था ऐसा कुछ भी। तो तुम सबके क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और अगर तुम्हारे पास भी ऐसी वियर्ड कुछ भी तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं हॉरर, तो तुम मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें याद दिख रहा है, फॉलो करो, शेयर करो अपनी अपनी स्टोरीज़, मैं तुम सबकी स्टोरीज़ भी यहाँ पर शेयर करूँगा। एंड आई होप तुम सबको मज़ा आया होगा इस हॉरर किस्से में। अगर मज़ा आया और चाहते हो कि मैं और बेटर स्टोरीज़ लेकर आऊँ, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, 10K सब्सक्राइबर्स कराओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।